पांच छह इश्यूज थे जो आपके साथ टेकअप करने थे जी। आज एक उसमें से इशू नंबर वन जो है वो है मोहम्मद जुबैर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ बताया है कि क्या होता रहा, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिसमेंटल करने की कंस्पिरेसी शुरू हुई और फिर वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाई गई। तो ये आपके साथ हमने नंबर वन आपके साथ डिस्कस करना है। अब जुबैर साहब की जो स्टेटमेंट है वो है तो बहुत लंबी, मैं उस सारी स्टेटमेंट में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इंस्टॉल हुई है तो उसके छः महीने के अंदर अंदर जनरल बाजवा ने इनसे रब्ता किया था और ये कहा था कि हम इस हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। ये आप बेशक इंटरव्यू की अगर आप कहेंगे तो हम कॉपी आपको भेज देंगे, आप भी सुन लीजिएगा। और उसके बाद फिर मामलात वहाँ से चले। इसके अलावा उन्होंने कोट किया है मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब को और उन्होंने ये कहा कि जी आप ये किसी को और पता ना लगने दीजिएगा इस सारी सिचुएशन के बारे में। और उन सब लोगों में शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे और बाकी लोग भी शामिल थे। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। और एक कॉन्फ्लिक्ट जो पहले दिन से वर्चुअली क्रिएट किया गया था, जो कि छः महीने के बाद उसको एक फॉर्मल कंस्पिरेसी की शक्ल दी गई और उसको आगे बढ़ाया गया। वक्त के साथ साथ आपने देखा कि किस तरीके से बार्गेन्स की गई, कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, लोगों को चीफ ऑफ स्टाफ बनाने की प्रॉमिसेस किए गए, उसके बदले में फिर जो करवाना था उनसे उसके प्रॉमिसेस लिए गए। और खान साहब की हुकूमत 3 साल और 4 महीने के बाद इन्होंने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो थे, एक मुजरमीन का टोला, उनको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दिया। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती तो वहाँ फौरन नोटिस लिया जाता। अवल तो इस किस्म की बातें होती नहीं है सिविलाइज्ड कंट्रीज में, लेकिन अगर हो जाए तो उसका फौरी नोटिस लिया जाता, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती और इंक्वायरी की फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर जो जो लोग गिल्टी साबित होते, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वायलेट किया। देखिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है वो एक ओथ लेता है, ओथ ऑफ ऑफिस लेता है बिफोर टेकिंग ओवर एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर कोई मैं गलत बात करूँ या पूरी बात ना करूँ तो ये बेशक इंटरवीन करके उसको कम्प्लीट कर दें। उस ओथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पोलिटिकल कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और जब आप ओथ ऑफ ऑफिस को वायलेट करते हैं तो वो ट्रीजन के खाते में आता है, वो आर्टिकल 6 जो है उसके ऊपर अप्लाई होता है। सो हमारी डिमांड है ये कि इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले अंडर 184(3), एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट किया जाए, उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को टाइम दिया है, उसकी जो ऑपरेशन है वो टाइम लिमिटेड हो और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर तमाम ऐसे अशखास जो के मुलव्वस पाए जाते हैं इस कंस्पिरेसी में, उनको करार वाकई सजा दी जाए ताकि ताले आजमाओ जो लोग हैं उनका आइंदा रास्ता जो है वो रोका जा सके और इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की हुकूमत जो है वो पनप सके। ये हमारी चंद अल्फाज में ये हमारी डिमांड है। ये इंतहाई सीरियस मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का मामला है और इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, इसको दरगुजर नहीं कर सकते। सो हम डिमांड करते हैं, रिइट्रेट करते हैं उसको कि जी एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किया जाए फौरी तौर के ऊपर और उसकी बेसिस के ऊपर, उसकी फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर आगे चला जाए। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक हमारे जिस जो दारोवाल के फेक अरस्तू हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी ईद की छुट्टियों में, हम उसके ऊपर तब कमेंट नहीं कर सके थे कि जी लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखा जाए। वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी के साथ जितवाया है, वो लोग इनके पास गए हैं कि खान साहब को 5 साल तक कैद में रखा जाए, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि वो मुल्की मामलात में इंटरफेयर उनको ना करने दिया जाए। यहाँ भी हमारी अदालतें खामोश हैं। क्या एहसन इकबाल का ये काम है कि इस किस्म की स्टेटमेंट दे? अब जबकि इनसे मुल्क नहीं चल रहा, अब जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है,
अब जबकि SIFC जिसके जिसको कायम करते वक्त आपने पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए थे इस मुल्क की आवाम को, वो भी टोटली क्रैश कर चुकी है। अब जबकि पाकिस्तान में एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आपने कल भी देखा है कि चीन के साथ हमारे जो एक हमारा उनके साथ CPAC के कॉन्टेक्स्ट में एक जो एक फंक्शन हुआ है और आज सारे अखबारों की हेडलाइन लगी हुई है, उन्होंने भी ये बात की है कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर जो है वो शायद CPAC भी इफ़ेक्ट हो जाए और पाकिस्तान के तमाम जो आपके दोस्त और बरादर मुल्क रहे हैं वो सब पाकिस्तान के लीडरान को, ये जो जाली लीडरान हैं इनको यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का तरीका जो जाली अरस्तू ने इन्वेंट किया है वो ये है कि खान साहब को 5 साल तक कैद में रखा जाए। हम इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं कि इनका बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए और ये इसकी बेसिस, इसकी सोर्स जो है उसका बारे में देखा जाए और उसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा जाए। ये इस किस्म का बयान देने से मुल्क की जो कशीदा सूरत हाल है वो मज़ीद कशीदा होती है, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती बल्कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होती है फर्दर। और ये बयान दिया गया उसके बिल्कुल 2 या 3 दिनों के बाद चाइनीज़ डेलीगेशन आया और उन्होंने एक ओपन सेशन में पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहा कि आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी जो है वो लेके आएँ अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर ना स्टेबिलिटी आई तो इवन CPAC की जो प्रोग्रेस है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। सो ये ऊपर नीचे ये लोगों ने बहुत कुछ कह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा वक्त लेके इनको हाईलाइट करता जाऊँ ताकि आप उनको रिपोर्ट कर सकें। तीसरा जो इशू है हमारे पास वो है, एक बड़ा पुराना इशू है, वो है काजी फैज़ ईसा साहब का इशू है जी। हम उनका एहतराम करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका और उनकी फैमिली का इमरान खान, PTI और PTI के बारे में, और हम फील करते हैं कि अगर इस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, समझें और एनालाइज करें तो शायद उनका उन केसेस में एक जज के तौर के ऊपर बैठना जिसमें PTI या इमरान खान के बारे में वो केसेस हों वो बनता नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का 5-member बेंच था जिसने एक जजमेंट पास की हुई है, मुझे याद नहीं कब थी, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने, उन्होंने कहा था कि काजी फैज़ ईसा साहब किसी ऐसे केस में बेंच में शरीक नहीं होंगे, उसका फ़र्द नहीं बनेंगे, मेंबर नहीं बनेंगे जो इमरान खान साहब के बारे में हो। हम ये आपको वाउचिंग डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर सकते हैं, मांग लीजिएगा, रिजवान साहब या सिबकत साहब आपको प्रोवाइड कर देंगे। इससे सुप्रीम कोर्ट के 5-member बेंच की जजमेंट मौजूद है कि काजी फैज़ ईसा साहब इमरान खान के बारे में किसी केस में एक मेंबर के तौर के ऊपर बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। ये वो जज हैं जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बैट का सिंबल जो है वो लिया था, और बैट के सिंबल की रिव्यू पिटिशन तो हमने बहुत देर से दी हुई है, उसको लगाने की बजाय इन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को एक लेटर लिखा था, ओपन लेटर लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जी बैट का सिंबल PTI से हमने सही लिया है, और उसकी जस्टिफिकेशन इन्होंने पेश की थी, और इन्होंने ये भी डिनाई किया था कि PTI से हमने कोई स्पेस जो है वो ली है, बल्कि ये कहा था कि हमने उनको भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह आज़ादी दी गई है। सो ये तमाम वो चीज़ें जो कि इनका बायस शो करती हैं। योग चीफ ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लेटर लिखना जो है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, हमारे पास भी उसकी कॉपी है, वो भी आपको दी जा सकती है। काजी फैज़ ईसा की कोर्ट के अंदर जितनी भी केसेस में ये बैठे होते हैं उसमें बसा औकात इन्होंने 9 मई को रेफ़र किया है, और जब भी ये 9 मई को रेफ़र करते हैं तो ये इस तरीके से करते हैं जैसे कि ये PTI ने 9 मई करने की ज़िम्मेदार है। तो ये भी उनका एक इनहेरेंट बायस जो है वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं PTI को 9 मई की रेफरेंस से, जबकि हमारी कंटेंशन ये है कि 9 मई के जो परपेट्रेटर्स हैं उनका उस वक्त तक तायुन नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट ना हो और वो तमाम शवाहद दे के उसके बाद फैसला करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद जो उसके मुजरमीन हैं उनको उनके उनके गुनाह के मुताबिक या उनकी जुर्म के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। तो ये भी इनसे भी उनका एक जो बायस है वो ज़ाहिर होता है। इसके अलावा
184(3) के तहत जितने भी केसेस जो हैं सुने गए हैं वो तमाम को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, लेकिन जब खान साहब की बारी आती है तो वो लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाता। ये एक पेटेंट बायस है जो कि जाहिर करता है कि खान साहब के बारे में, जब खान साहब के केस को क्यों नहीं लाइव स्ट्रीम किया जाता जैसे कि बाकी तमाम केसेस जो हैं, अगर कानून सबके लिए बराबर है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है जब जजमेंट डिस्पेंस करती है तो सबके लिए एक ही कानून के मुताबिक करती है, तो फिर वो खान साहब के बारे में जब उनकी बात आती है तो क्यों वो कानून बदल दिया जाता है, क्यों इनका बायस जो है वो सामने आ जाता है। तो हम ये भी उनके इस चीज़ का एक सबूत है कि खान साहब या उनके बारे में केसेस जो हैं उसके बारे में उनका एक इनहेरेंट बायस है। इसके अलावा जो काजी फायजीसा साहब की बेगम साहिबा है उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। एक स्टेटमेंट उनकी ये थी जब उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने जो मनी ट्रेल दी है उसके बारे में मुझे शदीद तहफ़ुज़ात हैं, ये मनी ट्रेल नहीं ठीक। कोर्ट जजमेंट देती है कि वो सादिक और अमीन हैं, और बेगम ईसा जो है वो स्टेटमेंट देती हैं कि जी मुझे डाउट्स हैं इसके बारे में और मैं इस मनी ट्रेल को नहीं मानती। ये उनकी स्टेटमेंट हमारे पास ये मौजूद है, इसके वाउचिंग डॉक्यूमेंट्स जो है सारे। इसके अलावा खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर रिमूव करने की उन्होंने डिमांड की हुई है जी, और वो बेसिस उन्होंने बनाया था कि इन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए। कोर्ट की जजमेंट एक है और काजी फायजीसा साहब की बेगम साहिबा जो है वो उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी जो है वो बयान दे रही हैं कि जी इनको एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिमूव किया जाए। इसके अलावा इसी चीज़ के सिलसिले में इन्होंने उनको कहा था जी कि आप मेरे साथ लाइव टेलीविज़न के ऊपर आके बात करें, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों ये कह रही हूँ। इसके अलावा बेगम ईसा ने इमरान खान साहब को एक लेटर लिखा था, वो लेटर भी हमारे रिकॉर्ड में यहाँ और वो मीडिया में भी रिपोर्ट होया हुआ है, और उन्होंने उनको ये कहा था कि आप रियासत मदीना को कैपिटलाइज करना बंद कर दें। बेगम ईसा ने खान साहब को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, डिमांड किया था कि आप रियासत मदीना को कैपिटलाइज करना बंद कर दें। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है लाहौर हाई कोर्ट ने आरोज जो थे उनके बारे में केस जो था वो डिसाइड किया था कि आरोज जो हैं वो जुडिशरी से लिए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अंडर काजी फायजीसा इंटरवीन करके वो जो फैसला था उसको नल एंड वॉइड कर दिया था, और इन्होंने एग्जीक्यूटिव से आरोज जो हैं वो अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया था, जो फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस में उस फ्रॉड के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स में से एक कंस्टिट्यूएंट साबित हुआ है एग्जीक्यूटिव से आरोज का लेना। और आखिर में जो पॉइंट है वो है कि काजी फायजीसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस किया था वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के दौरान हुआ था। तो इन तमाम शवाहद की बुनियाद की बेसिस के ऊपर हम काजी फायजीसा साहब से नहायत एहतराम के साथ डिमांड करते हैं कि वो अपने आप को पीटीआई और इमरान खान के केसेस से रिकूस करें। आपके पास सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फुल स्ट्रेंथ के ऊपर है, बाकी जज साहिबान मौजूद हैं, उनको आप इन्वेस्टिगेट करने दें, उनको आप केसेस सुनने दें और उनको फैसले सादर करने दें। ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि काजी फायजीसा साहब अपना जो बायस है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं बाय इंसिस्टिंग ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेंचेस जो कि पीटीआई या इमरान खान साहब के केसेस जो है वो सुन रहे हैं। तो एक क्रेडिबल जज की हैसियत से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काजी साहब फौरी तौर के ऊपर अपने आप को पीटीआई और इमरान खान साहब के केसेस से अलहदा कर लेंगे। इसके अलावा दो तीन और पॉइंट्स हैं, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नैब के बारे में जो उन्होंने उनकी सबमिशंस हैं वो शुरू करें। लोगों की अबडक्शंस जो हैं वो जारी हैं। कल आपने देखा कि हमारे प्रोटेस्ट के मौके के ऊपर तमाम पंजाब में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया। अब ये सेक्शन 144 पूरे सूबे में नाफिज करने का मतलब यह है कि इस वहाँ की हुकूमत ने अपनी नाअहली और नाकामी जो है उसको उसकी कन्फेशन की है, माने हैं और कहा है कि चूंकि हमसे कंट्रोल नहीं होता, ये पीटीआई वाले जो हैं ये बाहर निकल आते हैं और ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं और इनको हमने पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने देना, इसलिए हम सेक्शन 144 नाफिज कर रहे हैं। और उसके तहत
3 MPO के तहत भी मुझे बताया गया, मैं ऊपर आ रहा था, तो कुछ मुकदमे जो हैं 3 MPO के तहत भी मुकदमे जो हैं वो 10 मुकदमे जो हैं वो उन्होंने इंस्टीट्यूट करने के अहकाम सादर हो चुके हैं, और वो FIRs हो चुकी हुई हैं सारा कुछ। तो ये है एक जमहूरी मुल्क में जहाँ के अंडरस्टैंडेबली जमहूरियत है, वहाँ आप एक पोलिटिकल पार्टी को पुरमन एहतजाज करने से भी रोकने के लिए तमाम सूबे में सेक्शन 144 जो है उसका नफाज कर देते हैं। CCTV फुटेजेस जो हैं उसके गायब होने का, अभी इद्दत केस में अदालत ने कहा है जी कि CCTV फुटेज जो है वो पेश की जाए, और अदालत को बताया गया है कि जी CCTV फुटेज नहीं मिल रही क्योंकि कैमरा ख़राब था। ये सेफ सिटी है इस्लामाबाद, यहाँ करोड़ों रुपया जो है वो इन्वेस्ट होया हुआ है इसको सेफ सिटी बनाने के लिए, और CCTV कैमराज जो हैं वो उसका एक इनहेरेंट कंस्टिट्यूएंट होता है जिसकी बेसिस के ऊपर ये शहर को सेफ सिटी डिक्लेयर किया जाता है। अब मुझे बताया जाए कि क्यों CCTV फुटेजेस नहीं पेश की जा रही, उसमें क्या खौफ है हुकूमती कारिंदों को कि अदालत के बाहर हाई कोर्ट के बाहर भी उनका कैमरा जो है वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के वो काम नहीं कर रहा था, तो हमने वो जो वो फुटेज है वो हम आपको नहीं बता पेश कर सकते क्योंकि वो कैमरा जो है उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको। उसके पीछे एक सिनिस्टर प्लान है, वो ये है 9 मई है और उससे पहले भी हैं, कहीं भी जहाँ भी ये एलिज करते हैं कि PTI वालों ने अटैक किया है या डैमेज किया है पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसी एक जगह की CCTV फुटेज ये पेश नहीं कर सके। वजह सिर्फ एक है कि जो मुजरिमीन हैं उनके ऊपर पर्दा डालना जो है वो मकसूद है, और जो बेगुनाह हैं उनको 1 साल से ज़्यादा तक वो जेलों में डालना जो है, और अभी पता नहीं कब तक उनको वहाँ रखने का इनका इरादा है, यानी जो असल जिन्होंने जुर्म किया है उनको महफूज करना, और जिन्होंने जुर्म के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, और यही वो वजह है कि ये जो जुडिशल कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, और एक फर्द वाहिद बैठ के कहता है जी ये मुजरिम है इसको पकड़ लीजिए। एक रात में 10,000 बंदे इन्होंने अरेस्ट किए हमारे, उनमें से बहुत सारे बंदे जो हैं 1 साल से ज़्यादा तक जेलों में पड़े हुए हैं, एक मुकदमे में उनकी बेल होती है, वो अदालत से बाहर निकलते हैं वहाँ फिर पकड़ लिया जाता है। सनम को और आलिया को और जो है हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद को दर्जनों दफ़ा री अरेस्ट किया जा चुका हुआ है। ये किस जमहूरियत, किस आइन और किस कानून के तहत हो रहा है? हमारे वो लोग जो हैं बाकी लोग बैठे हुए हैं, महमूद रशीद साहब बैठे हुए हैं, यदाश चौधरी साहब बैठे हुए हैं, चीमा साहब बैठे हुए हैं, महमूद रशीद साहब पहले मैंने नाम लिया उनका, वो बैठे हुए हैं, किस जुर्म में बैठे हुए हैं वो? क्यों नहीं वो जो मुकदमों की जो चलान है वो पेश किए जाते, क्यों नहीं मुकदमात आगे जाते ताकि वो बेल ले सकें, ताकि वो बाहर आ सकें? मकसद सिर्फ एक है कि हमने PTI के बंदों को छोड़ना नहीं है, गुनाह उन्होंने किया है, जुर्म उन्होंने किया या नहीं किया, हमने उनको छोड़ना नहीं है। जब विरासत में इस हौलनाक किस्म की फस्तायत जो है वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हमने जनरल ज़िया का भी वक्त देखा हुआ है, वो भी कोई अच्छा वक्त नहीं था, कोड़े पड़े थे लोगों को, नंगे पिंडों के ऊपर उनको मारा जाता था, चिलचिलाती धूप में मारा जाता था, जेल के अंदर मारा जाता था, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर टुकटुकियाँ क्या कहते हैं टुकटुकियाँ ही कहते हैं ना वो लगाई जाती थी। हमने वहाँ भी इतनी फस्ताइयत, इतना जुल्म, इतना जबर और इतनी बर्बरियत नहीं देखी जितनी आज नहती बच्चियों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है। सनम को एक 50 डिग्रीज टेम्परेचर में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में प्रिजनर्स वैन में बिठाया जाता है, वो आग का एक डब्बा बन जाता है, आप ट्राई करके देख लीजिए, आप बैठ के देखिए उसको, उसको सनम को बिठाया जाता है, उसके घर ले जाया जाता है, उसको उसी आग के डिब्बे में बिठाए रहते थे और उसके सामने उसका घर तोड़ा जाता है, उसकी फैमिली को असॉल्ट किया जाता है। आप लोग बैठे हुए बताइए क्या वजह है? ये इस तरीके से अजाब मुबतला करना चाहते हैं उन बच्चियों के ऊपर, उनको तकलीफ देना चाहते हैं, उससे किसको वाइकेरियस प्लेजर हो रहा है? किस कौन है जो कि खुश हो रहा है अपने महलों में बैठ के? उस औरत का नाम है मरियम नवाज, ये जाती उसकी कैद में है और उसका फेस जो है वो ऐसा है कि जी आपने रियासत की कैद में है, लेकिन ये उसकी जाती कैद में है, उसकी पर्सनल जो कैद है उसमें है ये बच्चियां, क्योंकि ये सोशल मीडिया के खिलाफ के ऊपर सच बयान करती थी, उसके बारे में सच लिखती थी, तो उसकी सजा ये बच्चियां 2 साल से काट रही, 1 साल से काट रही। कहीं तो अदालतें हमारी खड़ी हो जाएं, कहीं तो इंसाफ की खातर खड़ी हो जाएं, कानून की खातर खड़ी हो जाएं, आईन की खातर खड़ी हो जाएं। कब तक सोए रहेंगे जज साहिबान हमारे?
हाँ वो तो इसी में आ जाएगी मेरा ख्याल उसका, वो ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कर दीजिएगा सर, मैं पहले आप टेम्पर्ड एविडेंस जो है एविडेंस जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। काजी ईसा के बारे में जो बातें बताएंगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नुकता ये था कि जब उन्होंने लेटर लिखा तो उस वक्त हमारा बैट का जो केस था वो अंडर रिव्यू था, और जिस जज के नीचे अंडर रिव्यू हो और वो अपना माइंड दे दे तो प्रेजुडिस वहाँ से इस्टेब्लिश हो जाता है, ये उनका एक बहुत बड़ा जो है इसके अंदर नज़र आता है जो बोग्स और हसद वो रखते हैं पीटीए के अगेंस्ट। मैंने आज चंद एक चीज़ें जो कवर करनी है, एक तो जो आर्डिनेंस इशू किया इन्होंने नैब के बारे में, और फिर नैब की जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करनी है। 27 मई 2024 को एक आर्डिनेंस इशू किया जाता है, और उसमें सेक्शन 24 जो है उसमें क्योंकि रिमांड का मुद्दत 14 दिन थी उसको बढ़ाकर 40 दिन कर दिया जाता है। इसके कुछ मजमरात हैं, कुछ इंटरनल डायनेमिक्स हैं। उसकी बात यह है कि अल कादर जो ट्रस्ट का केस चल रहा है उसके अंदर इनको एविडेंस नहीं मिल रही। क्यों? कि एक तो वो केस लीगली 50 करोड़ से कम का है, और दूसरा इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये साबित नहीं कर पाएगी उन्होंने इससे कोई ज़ाती फ़ायदा उठाया है। अभी लेटली उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक रेड किया है बहरिया के ऑफिस के ऊपर, और वहाँ से एक एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एविडेंस हमेशा कलेक्ट होती है, क्रिएट नहीं होती। वहाँ से कुछ वोचर बनाए जा रहे हैं, और वोचर ये होंगे जी कि फ़लाँ को इतनी रिश्वत दी गई है, फ़लाँ को इतनी रिश्वत दी गई, और हो सकता है वहाँ से कोई विटनेस भी खड़ा किया जाए। इसके साथ 40 दिन करने का मतलब इनका मकसद ये था कि तोशाखाना का एक केस बन चुका है और तोशाखाना का दूसरा केस इन्वेस्टिगेशन उन्होंने डाल दिया, ताकि जो इन केसेस से खान साहब की रिहाई हो तो तोशाखाना का जो दूसरा केस है उसके अंदर हम 40 दिन, ये 40 दिन कभी नहीं हुए, हमेशा 15 दिन तक रिमांड होता था और उसके बाद जज को रीज़न देने पड़ते थे, फिर जज उसको एक्सटेंड करता था। और इसमें बड़ा क्लियर है सेक्शन 18D जो है वो ये कहती है कि अगर मुजरम वही हो, टाइम वही हो, माल मुकदमा वही हो, तो आप एक ट्रायल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ट्रायल नहीं कर सकते। सो तोशाखाना केस के अंदर एक से ज़्यादा ट्रायल करना भी डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है, नैब की इस कानून की खिलाफ वर्जी है। सेक्शन 36 वो थी, इसमें अंदर से आवाज़ उठनी शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये कहा कि आप हमसे जाली केसेस बनवा रहे हैं, सेक्शन 36 आपने हमारे सर पे रख दी है, दूसरी कोई हुकूमत आएगी तो हम किस तरह बच सकेंगे सेक्शन 36 से। सेक्शन 36 ये थी कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर किसी केस को शुरू करता है जो कि बदनीयती के ऊपर है, फ्रिवलस है, बेसलेस है, तो उसकी सज़ा 5 साल होगी और उसको सज़ा भी दी जा सकती है, जुर्माना भी किया जा सकता है। जब ये अंदर से ह्यू एंड क्राई आई तो उन्होंने कहा ठीक है हम सेक्शन 36 को अमेंड कर देते हैं। सेक्शन 36 को अभी अमेंड कर दिया गया। वो अमेंडमेंट क्या है कि अगर मुजरम अदालत से छूट जाता है और अदालत ये फैसला देती है कि ये सारा केस जो है ये फ्रिवलस था और डिसऑनेस्ट था, उस केस में उस रीजंस के ऊपर फिर अदालत चाहे तो 2 साल कैद दे सकती है, 5 साल से 2 साल। याद रहे कि कोई भी अदालत एक केस के ऊपर 2 पनिशमेंट नहीं दे सकती, उसके लिए अलग रेफरेंस बनाना पड़ता है। तो ये आईओज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्डिनेंस इशू किया गया, और जो पहला आर्डिनेंस है वो इसलिए इशू किया गया ताकि खान साहब को कैद के अंदर रखा जा सके लगातार। अभी मैं आता हूँ जो अमेंडमेंट का केस हमारा चल रहा है। जब हम खान साहब पास ये लेके गए थे कि हमने रिट करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो हमने कुछ रीजंस दिए थे उनको कि खान साहब बिलीव्ड इन अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। हमारे ज़माने में नैब आज़ाद था, 480 बिलियंस 3 साल की रिकवरी है, 160 अरब सालाना के हिसाब से, और उस वक्त नैब ने हमारे सिटिंग पॉलिटिशन जो थे उनके ख़िलाफ़ भी केसेस बनाए थे। खान साहब ने उनको नहीं रोका किसी को, बल्कि बाद लोगों को अपने ऑफिस छोड़ने पड़े, बाद लोगों को बल्कि सियासत छोड़नी पड़ी, बहुत सारे नाम आप जानते भी हैं। खान साहब हमेशा अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी भी बिलीव करते हैं। हम जब उनके पास ये आर्गू करने के हमने रिट करनी है तो उसमें 3 रीज़न दिए थे। पहला रीज़न ये था कि इससे तकरीबन मुल्क के ख़जाने को 1100 अरब रुपए का नुकसान होगा। दूसरी वजह हमने ये बताई थी कि नैब का अदारा बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाएगा क्योंकि इस अमेंडमेंट से,
और तीसरी चीज़ हमने ये बताई थी कि ये NRO है बिकॉल केस टू केस बेसिस पे अमेंडमेंट्स की गई हैं और ये बहुत बड़ी बदयानती है, ज़्यादा हमें रिट में जाना चाहिए। ये रिट बड़ी मेहनत से तैयार की गई, इसमें वो केसेस भी हमने डाले थे जो कि खास टारगेट करके सेक्शंस को चेंज किया गया। अभी मैं चंद एक सेक्शंस के बारे में आता हूँ जिनसे कई बार का जिक्र भी हो चुका है। इस अमेंडमेंट को 1985 तक ये पीछे लेके चले गए, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जितने भी केसेस अपील के अंदर हैं, हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो प्री बागे में लोग पैसा दे रहे हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे और ये NRO का जो है ना बहुत बड़ा धचका होगा कौमी ख़जाने को। और इसमें अगर आपको पता होगा कि 9.5 अरब रुपये की प्ली बार्गेन सिर्फ बहरिया ने कर रखी है, जिसमें से 3 अरब बहरिया पे कर चुका है, बाकी किस्तें देनी उसने बंद कर दी हैं क्योंकि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चला गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की सेक्शन 33 AML जिसे आमला 2012 कहते हैं, उसमें से नैब को निकाल दिया गया, चेयरमैन का नाम निकाल दिया गया और इसका मतलब ये हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो अभी नैब नहीं कर सकती। मैं इसको कहता हूँ TT सेक्शन, ये वो सेक्शन है जिसके वजह से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के TT के 7 अरब का केस जो है ऑटोमेटिकली बंद हो गया। सेक्शन 4 को तब्दील किया गया और कहा गया जी कि 50 करोड़ तक की जो करप्शन है वो माफ़ है, अगर 50 करोड़ से ज़्यादा कोई करप्शन करेगा तो उसकी जो है ना सुनवाई की जाएगी। इसमें 3 केसेस हैं जो मेजर केसेस, रमज़ान शुगर मिल, मेट्रोबस केस और प्राइम मिनिस्टर का केस, ये 3 केसेस हैं जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं। रमज़ान शुगर मिल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनके MPA हैं रहमतुल्लाह, उनका नाम है चनियोट के हैं, उनको कहा गया कि जी आप दरख्वास्त दें, यहाँ बड़ा सख्त ज़रूरत है एक एफ्लुएंट नाला जिसे आप सेम नाला कहते हैं वो बनाना है। उन्हें दरख्वास्त दी, चीफ मिनिस्टर ने फौरन सारी कोडल फॉर्मेलिटी साइड पे रखते हुए उसकी मंजूरी दी और वो नाला एन समजान शुगर मिल के अंदर से शुरू किया गया और उसका जो एफ्लुएंट था वो उसके अंदर डाल दिया गया। ये 21.5 करोड़ जो आजकल के हिसाब से है 1 अरब बनता है, वो बाप तो चीफ मिनिस्टर था, बेटा उस MLA था, मिल उसकी शुगर रमजान शुगर मिल थी, ये वो नाला तामीर किया गया, ये केस भी ख़त्म हो जाता है। दूसरा मेट्रोबस का केस यहाँ का है, वो जिसमें इन्होंने एक ख़ास इंसान को ऑर्डर करके बंदे को कहा जी गया इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त पर 3री इंक्वायरी इनकी बंद हो जाएगी, जिसमें 42 करोड़ रुपया का नुकसान किया शहबाज शरीफ ने, इन्होंने 39 बैरूनी दौरे निजी तौर पर किए और 515 अंदरूनी मुल्की दौरे किए, निजी दौरे किए और 42 करोड़ रुपये का नुकसान दिया, वो केस बंद हो जाएगा। ये वो केसेस हैं जो 50 करोड़ से नीचे फाल करते हैं। एक सेक्शन ने अमेंड किया है 5E, मैं इसको कहता हूँ मियां जावेद लतीफ सेक्शन। इसमें यह है कि अगर कोई बेवकूफ़ किस्म का अफसर है और सारे असासी अपने नाम पे बनाता है तो उसका केस तो बनेगा, अगर वो बीवी बच्चों के नाम पे बना देता है, मामे चाचे के नाम पे बना देता है तो फिर आप उसको पकड़ नहीं सकते। मियां जावेद लतीफ़ साहब के सारे असासे या उनके मामों के नाम है या उनके भाइयों के नाम है, 6 इंक्वायरी में लाहौर में एक केस में उनका नाम नहीं आता बिकॉज वो सारे उन्होंने बेनामी रखे हुए। एक और सेक्शन है जिसमें ठेकेदार और सप्लायर्स जो हैं उनको भी इस्तिस्ना दे दिया गया, इसका मतलब यह है कि साथ जो मुतल्लिका लोग हैं वो भी माफ़ हो जाएंगे। जब तक कोई मुजरम बेशक उसने अरबों रुपये का नुकसान किया हो, ये साबित नहीं होगा कि उसने इस फैसले से ज़ाती फ़ायदा उठाया है, उसको सजा नहीं दी जा सकती। एक सेक्शन है 9A7, इसे कहते हैं तोशाखाना सेक्शन। ये वो सेक्शन है जिसे अगर कोई शख्स ऐसा ऑर्डर पास करता है जो ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुँचाए और फिर वो ऑर्डर अपनी जगह पे चला जाए वापस, तो इसे कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डर। तोशाखाना में गिलानी वॉज द प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने तोशाखाना के रूल्स को रिलैक्स किया फॉर टाइम बींग। 3 गाड़ियाँ जरदारी को दी तोशाखाना में से, 1 गाड़ी नवाज शरीफ को दी और कानून फिर अपनी जगह पर वापस चला गया। उन्होंने इस सेक्शन को खसूसी तौर पर उड़ा दिया, उसके साथ ही तोशाखाना का केस भी जो है वो उड़ गया। इसमें से याद रहे कि 25 टोटल विटनेसेस थी, 15 गुजर चुकी थी, 10 ने रहना था और कन्विक्शन जो है ना बिल्कुल दीवार के ऊपर लिखी हुई थी, लेकिन बीच में फिर NRO 2 आ गया। अभी ये केस चल रहा था, अदालत ने कहा मुजरिम हाजिर हो, तो जवाब दिया गया मुजरिम जो है वो इस्तिस्ना ले चुका है, वो उनका सदर है, वो हाजिर नहीं हो सकता, तो ये केस अभी तक कोर्ट में मौजूद है। कहते हैं ना कुफर इज़ काबा बरख़ इज़्ज़त,
کجا مانت مسلمانی، کعبے میں اگر کفر آ جائے تو مسلمانی بیچاری کدھر جائے گی؟ یہ وہ حال ہے ہمارا. اگلی سیکشن ہے خواجہ سعد رفیق سیکشن. یہ وہ سیکشن تھی جس کے تحت چار سے زیادہ لوگوں کو اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں تو نیب اس میں کیس بناتی تھی. خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان، یہ ایک پیراگون سوسائٹی آپ نے سنا ہوگا، اس میں یہ انوالو تھے. اس میں انہوں نے 68 بندوں کو چیٹ کیا تھا. لہٰذا ان کو اس کیس میں سے نکالنا تھا. پہلے قانون کے اندر نمبر نہیں تھا کہ کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا تو کیس بنے گا. اس کو نمبر کو ڈالا گیا کہ 100 بندوں کو اگر آپ دھوکہ دیں گے تو کیس بن سکتا ہے. 100 سے کم ہے، شکر ہے ان کے 150 نہیں تھے، ورنہ 200 پہ یہ چلے جاتے. وہ حلال ہے تو وہ، ہاں وہ حلال ہے. لہذا یہ خواجہ سعد رفیق سیکشن جو ہے یہاں پہ اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، 100 بندے کی یاد رکھ لیجیے. اچھا ایک سیکشن اور انہوں نے امینڈ کی. انہوں نے کہا بینک کے اندر جو پیسہ آئے گا نا، جب تک اس کے اثاثے نہیں بنیں گے آپ ایک انٹری اس کے ڈال سکتے ہیں، باقی چیز کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، کیس نہیں بنا سکتے. جو سب سے بہترین جو اس انہوں نے کام کیا اپنے لیے وہ قطری سیکشن ہے. قطری سیکشن کیا ہے؟ قطری سیکشن یہ ہے، سیکشن 14 اس کا تو پریزمپشن سیکشن کہتے ہیں. اس کا حوالہ ہم نے پٹیشن کے اندر دیا ہوا ہے. 17 قانون ایسے ہیں آپ کے ملک کے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ قلم میری ہے تو پھر میں نے ثابت یہ کرنا کہ میں نے قلم خریدی کہاں سے، مانی ٹریل میں نے دینی ہوتی ہے. سیکشن 14 جو ہے اس کو اس لیے اڑایا گیا کہ نواز شریف نے یہ تو بتا دیا کہ ایون فیلڈ مریم نواز کے ہیں، لیکن مریم نواز یہ نہیں بتا سکی کہ پیسہ کہاں سے آیا. اب یہ ذمہ داری پروسیکیوٹر کی ہے کہ وہ بتائے گا کہ قطر سے پیسہ انگلینڈ کیسے گیا، وہاں پہ ایون فیلڈ جو ہے نا اپارٹمنٹ کیسے خریدے گئے. تو یہ وہ سیکشن تھی. ابھی پروسیکیوٹر جو ہے وہ فیصلہ بتائے گا کہ جی پیسہ کہاں سے آیا. 18C سیکشن کو امینڈ کیا گیا کہ آپ نے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے ملزم کو ایف آئی آر کی کاپی تمام ایویڈنس کے ساتھ دینی ہے تاکہ وہ کورٹ میں چلا جائے اور آپ کے کیس کو آگے چلنے ہی نہ دے. یہ پہلی دفعہ کسی قانون میں آیا ہے. 18F اگر انکوائری 6 ماہ تک نہیں مکمل ہو سکتی تو وہ ختم کر دی جائے گی. اس سے ان کی لمبی لسٹ ہے میرے پاس کیسز کی جو آٹومیٹکلی بند ہو گئے. وائٹ کالر کرائم میں بعض اوقات بندہ بھاگ کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، بلکہ زیادہ تر بھاگ جاتے ہیں، اثاثے باہر ہوتے ہیں، تو وہ آپ انفارمیشن لینے میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے. 6 مہینے میں دنیا میں کہیں بھی آپ ایف بی آئی دیکھ لیں، این سی اے دیکھ لیں، کسی کا کیس مکمل نہیں ہوتا. 21G یہ زرداری نواز شریف سیکشن میں اس کو کہتا ہوں. یہ ہے، ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آپ MLA میوچل لیگل اسسٹنٹ. یہ انکیگنائزیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن کے ہم سگنیٹری ہیں. اس کے تحت آپ بیرونی ملکوں سے شہادتیں لا سکتے ہیں اور شہادتیں لا کے اپنے کیس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اس 21G کی ایک سیکشن کو اڑا دیا گیا کہ باہر سے آئی ہوئی کسی شہادت کو منظور نہیں کیا جائے گا. لہذا پاناما لیکس ہو، دبئی لیکس ہو، پنڈورا لیکس ہو، ابھی جتنے بھی اثاثے کوئی باہر بنائے گا نیب اس کو سوال نہیں پوچھ سکتا. اس سیکشن کے تحت باہر سے جو بھی ایویڈنس آئے گی اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ایک سیکشن 23 ہے، 1860 کا لا ہے، پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 کا لا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کسی کی انکوائری شروع ہوتی ہے وہ اثاثے بیچ نہیں سکتا. یہ عجیب امینڈمنٹ انہوں نے کیا ہے کہ آپ انکوائری کے دوران بھی اثاثے بیچ سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ نے اثاثے اے نے بی کو دیے، بی نے سی کو دے دیے، سی نے ڈی کو دیے، تو ریکوری کیسی ہوگی؟ یہ جان بوجھ کے ڈالا گیا تاکہ معاملے کو مشکل ترین کر دیا جائے. آخر میں جو سب سے انٹرسٹنگ سیکشن ہے جس پہ آلموسٹ اس وقت تک کئی ارب کا ریکوری نیب کر چکی ہے، وہ سیکشن 25 ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیکشن 25 میں اگر کسی شخص نے پلی بارگین یا پیسہ دینا شروع کیا اور وہ ڈیفالٹ کرتا تھا تو اس کو اوریجنل کیس اس کا شروع کر دیا جاتا تھا. ابھی انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ مکر جاتا ہے، انکار کر جاتا ہے، تو آپ اس پہ ڈیفالٹ کا کیس بنائیں گے، ایک نیا کیس شروع کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سارے جتنے پری باغین میں آئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے پیسہ دینا بند کر دیا ہے، ابھی ایک نیا کیس بنے گا ڈیفالٹ کا کیس. تو یہ
हमने जब उस वक्त ये बात की थी कि 1100 अरब के जो केसेस ख़त्म हो रहे हैं, ये वो पॉइंट था जहाँ से 160 अरब, अभी करोड़ों में रिकवरी हो रही है, 160 अरब का तकरीबन सालाना नुकसान इन अमेंडमेंट्स ने मुल्क के खजाने को दिया है। और बेशर्मी की और फ़राइज़ के साथ दगाबाजी की इंतहा ये है कि नैब चेयरमैन अपने प्रोसिक्यूटर को कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ और वहाँ बताओ कि हमें सारी अमेंडमेंट्स मंजूर हैं। फिर मैं यहाँ से ये क्लेम करता हूँ कि 850 नफरी है नैब की और डबल तनख्वाह लेती है और 1.5 रुपया उसका बजट है साल का, उसको ख़त्म कर दिया जाए। बिकॉज वो दो किस्म के केस बना सकती है, या एसेट का केस, वही बंदे के अपने के नाम पे पैसा हो, या 100 बंदे से ज़्यादा चीट हो जाए, तीसरा कोई केस नहीं बन सकता। ज़्यादा इस महकमे को जो है ना मेरे नज़दीक बंद कर देना चाहिए अगर ये नैब अमेंडमेंट्स रहती हैं। अगर नैब अमेंडमेंट्स जो हैं वो ख़त्म होती हैं तो डेफिनेटली फिर अदारा बहाल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, दिस आर हैप्पी से। लेकिन जैसे लोग फसल साहब पहले कह चुके हैं, लेकिन लोग फसल साहब पहले कह चुके हैं कि इस वक्त मुल्क में मार्शल्ला का नफाज है, लेकिन शायद मार्शल्ला में भी इतने बुरे हालात नहीं थे। अदलिया में सरेआम मुदाखलत हो रही है, जजेस को डराया और धमकाया जा रहा है, सियासी कारकुनान को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इमरान खान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उन समेत तमाम सियासी कारकुनों को दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियां एक साल से जेलों में बंद हैं, हमारे सहाफ़ी भाई उनके लिए काले कवानीन बनाए जा रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का जनाजा निकाल दिया गया है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन हुआ है और इस बात का इल्म पूरे पाकिस्तान के एक एक बच्चे को है। अगर नहीं पता तो हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को नहीं पता। इसलिए बस मैं उनको एक शेर कहना चाहता हूँ, काजी साहब मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर बर्पा क्यों नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। और एक बात आखिरी कि दफ़ा 144 का नफाज जो पंजाब में, वहाँ पर जो हारी हुई टिकटॉकर जाली वजीर आला है उसने 144 का नफाज किया हुआ है, वहाँ पर पूरे पंजाब को जेलों में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमारे पुरमन जो चार दीवारी के अंदर कन्वेंशन्स हो रहे हैं, वहाँ पर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया जा रहा है, जाली एफआईआरें दर्ज हो रही हैं। और रात जो पुरमन हमारा एहतजाज था उसके ऊपर अभी तक 10 से 12 एफआईआरें ये जाली टिकटॉकर वजीर आला दर्ज करवा चुकी है। इसको वर्दियाँ पहनने का बड़ा शौक है, कभी आईजी की वर्दी पहन लेती है। और आज हम यहाँ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम इमरान खान के सिपाही हैं, ना खान साहब झुके हैं ना हम झुकेंगे, ना खान साहब डरे हैं ना हम डरेंगे। हम इस रियासती जबर का मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा ये जो टोला है इनको पाकिस्तानी आवाम कोई डील करके बाहर भागने नहीं देगी इंशाल्लाह। थैंक यू। सवाल तो हम उनको बाहर इस तरीके से लेके आएंगे भाई कि उनके खिलाफ चार केसेस थे जिनमें के उनके खिलाफ अवार्ड हुई हुई थी पनिशमेंट, उनमें से तीन केसेस ख़त्म हो गए, एक केस सिर्फ रह गया जिसको इद्दत का केस कहते हैं और वो ज़बरदस्ती डिले किया जा रहा है। जिस दिन वो केस लगा वो 24 घंटे के अंदर वो भी क्रैश कर जाएगा, उसके बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे। हमने कानूनी रास्ता अडॉप्ट करना है ना, हमको हाथ में बंदूक लेके तो नहीं निकल सकते आगे, नहीं तो मे नहीं ख़त्म हो रहा। वहाँ कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं करा रहा, बगैर किसी इंक्वायरी के लोगों को मुजरिम बना दिया गया। तो हम कानूनी रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे पास रास्ता है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस बनी हुई हैं, वो हमें इजाज़त नहीं दे रही हैं। वो हमारे तमाम जो जलसों के इजाज़तनामे हैं वो इस वक्त हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, उनके ऊपर होपफुली इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी फैसले आने शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि इन्हीं शहरों में जहाँ आप कह रहे हैं कि लोग नहीं निकल पा रहे, हालाँकि लोग निकले हैं, कल भी निकले हैं लोग, इतनी फस्ताइत में इतने लोगों का निकलना भी एक मोर्चा उससे काम नहीं है। तो खान साहब बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला बाहर आ रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट अब बहुत शदीद किस्म के होंगे पूरे मुल्क में? जी हाँ,
इसको हकूमत कहना जो है वो हकूमत के नाम की तोहीन है। ये फॉर्म 47 है, जाली हकूमत है, ये हकूमत नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इनके पास कुछ नहीं है देने को, ये पुतलियां हैं जिनकी तनाबें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट खींचती है, तो ये नाचते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर भी अब इसने नया प्रोफेशन इसने नाचने का अडॉप्ट किया हुआ है, वो ड्रामा तो बहुत करता था। तो ये देंगे क्या आपको अगर हम इनके साथ बैठते हैं हाइपोथेटिकली? इनको कहते हैं जी हमारे क्या दो डिमांड हैं, नंबर एक हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट हमें वापस करो, नंबर दो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करो। चोरी किया हुआ मैंडेट अगर ये मानते हैं तो इनकी हुकूमत गिर जाती है, हुकूमत हमारी बन जाती है। उसके बाद जो है दूसरी डिमांड है वो रेलिवेंट ही नहीं रहती है, अगर हमारी हुकूमत बन जाती है तो फिर हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स ना पहले कभी हमने रखे थे, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे। नंबर एक, ये वो डिमांड लेके जाएंगे जी अपने आकाओं के पास, ज़मीनी ना खुदाओं के पास, उनसे इजाज़त लेंगे। इसलिए मैंने जब आया था खान साहब से मुलाकात करके, मैं बाहर आया था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कहा था जी हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिखा दें। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है एस्टेब्लिशमेंट का, इन पुतलियों को ये ऑथराइज करता है कि जी आप बात कर लें। अगर ये वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ले आते हैं तो देखते हैं फिर आगे क्या बात बनती है। इसके साथ साथ जो और है कि खान साहब ने ये कहा हुआ है, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हमारे कांटेक्ट है, हमारी इंगेजमेंट है, हमारा एक प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है जिसमें 6 पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी आ रही हैं, अनकरीब आ जाएंगी। उसकी बेसिस के ऊपर महमूद खान अचक सही साहब ने कहा था जी कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो हमने कहा कि आप अपने तई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, आप इंगेजमेंट करें उनसे, और उनसे जो प्रपोजल्स कभी आते हैं तो उसके ऊपर बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर देख लेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन हम जो मैंडेट चोर पार्टीज हैं उनके साथ बात करने को पीटीआई बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें एक और चीज भी है, पीटीआई के हमारे साथ पीएमएलएन या पीपी के जितने कायदीन जब मिलते हैं कैमरे बंद होते हैं, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आज बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, यूं कंधों पर इशारा करते हैं कि वो कर रहे हैं, और एजेंसीज का नाम लेते हैं कि आपके कारकुन वो बंद कर रहे हैं तो हम मजबूर हैं। तो आप मुझे बताएं कि मजबूर के साथ हमारी गुफ्तगू क्या होगी, मजबूर के साथ हमारी गुफ्तगू क्या होगी। और नजम सेठी साहब ने अपने शो में कहा कि जरदारी साहब नाराज हैं, शहबाज शरीफ मनाने गया तो जरदारी ने कहा भाई बजट आपने हमसे पूछ के नहीं बनाया। तो शहबाज शरीफ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है बजट मुझे भी नहीं पूछ के बनाया, मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारा क्या करूं। यार इनसे क्या बात करेंगे, आप मजाक कर रहे हैं कि हम इनके साथ बात करेंगे। दूसरी चीज प्रोटेस्ट की, पंजाब में मार्शल लॉ में इस तरह नहीं हुआ जो इधर हो रहा है। हमारा यूथ की आज हमारी इधर तंजीम की मीटिंग थी, हमारे सारे सदूर इस वक्त बंद है, सारे सदूर बंद है, मेजॉरिटी हमारे वर्कर्स बंद है। हमारी क़यादत के ऊपर ATA के पर्चे हुए हैं जिस वक्त वो लोग बाहर निकलने के लिए उन्होंने कोशिश की है। और ये भी मैं बताऊँ, अदालतें नाकाम हुई हैं हमें जलसों की NOCs देने के लिए, हमें लॉन्ग मार्चेस करने के लिए, हमें प्रोटेस्ट के लिए। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता बंद करेंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता रहेगा, वो है इनकलाब का, और हम बिल्कुल तैयार हैं। हम इनकलाब का रास्ता अगर हमें छोड़ते हैं तो हम निकलेंगे। ये महीने का टाइम है, जुलाई का टाइम है, आप देखिएगा कि किस तरह निकलता है पूरा मुल्क। और ये जो आप अगर ये अदालतों से इंसाफ नहीं होगा ना तो अवाम फिर सड़कों पर अपना इंसाफ करेंगे, और फिर ये लोग तैयार रहें, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है ना जमहूरियत, वो इसलिए होती है कि वो जो बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ये जो गवर्नमेंट होती है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट होती है। जब आपने जमहूरियत को मार दिया अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन करके अजनबी चेहरों को हमारा हुक्मरान बनाया जिसको हम नहीं जानते, तो वो हमारे लिए वैसे ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमारे लिए वैसे ही है जैसे अंग्रेज है, काली ईस्ट इंडिया कंपनी है, काली गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह डोगरा है। तो हम ना उसको मानते हैं, ना इस निज़ाम को मानते हैं, ना ऐसी अदालतों को हम एक्सेप्ट करते हैं जो इंसाफ देने से कासिर हैं, क्योंकि आईन की बुनियादी खिलाफ वर्जी कर रही है। और इंशाल्लाह आपसे अब ये सवाल बहुत दफ़ा मैं सुन चुका हूँ कि जी प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, थोड़ा सा ज़रा इसको रिवाइज कर लें, वो वजह आपको भी पता है रास्ता है पीसफुल रेजिस्टेंस का रास्ता जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, रास्ता है पार्लियामेंट के अंदर एजिटेट करने का जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, रास्ता है कानूनी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का जो हमने किया हुआ है। मेरे भाई खालिद ने जो अभी बात की है कि जब आप पुरअमन
चेंज का रास्ता रोकते हैं तो देन दे से द ब्लडी रेवोल्यूशन बिकम्स इनेविटेबल. दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. आप फोर्स कर रहे हैं लोगों को कि वो सड़कों पे निकलें. और जैसा कि इन्होंने कहा है जुलाई का महीना, मुझे तो जुलाई का महीना भी गुजरता नज़र नहीं आ रहा. इस वक्त जो एजिटेशन सीध कर रहा है, आप किसी के पास चले जाएं, आए मेरे साथ चलें, 10-15 लोग इकट्ठे होकर चलते हैं, कहीं 50-100 मील यहाँ से बाहर निकलते हैं, कहीं रुक के आप 15-20-25-30 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, आप उनसे बात करें, आपको पता चलेगा कि लोग कितने तंग पड़े हुए हैं, कितने इस वक्त एजिटेशन है उनके जहनों में. हम अगली तो ये ना करें, बड़ा ऐलान करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू.